प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी लाल टोपी, जी हां, गजवा हिंद वाला जैद अहमद, जिसको इस बात से तकलीफ हुई है कि आनंद अंबानी के प्री वेडिंग में शाहरुख खान ने जय श्री राम की बोल दिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले बहुत शुक्रिया और जय श्री राम एंड थैंक यू सो मच रोहित जी के आपने इनवाइट किया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी अजीब है। एक आदमी जो कि जोकरों वाली बात करता है पापों के लोगों के बारे में, उसका नाम है राशिद, यानी के इंटेलिजेंट, यानी के मतलब समझदारी वाली बात करने वाला, और जो आदमी बदमाशी कर रहा है उसका नाम है शरीफ। तो नमस्कार, दो डेवलपमेंट्स में एक, अंबानी की शादी में पहुंचे शाहरुख खान और इस पर गुस्सा गए हमारे प्यारे जैद हामिद साहब, यानी कि वो लाल टोपी ने कमेंट किया और वो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर कमेंट में लाल टोपी ने बोला कि भैया ये जैद हामिद, ये जो शाहरुख खान है, ये कभी भी एक मुस्लिम नहीं था और पाकिस्तानी, जिसके सामने पता नहीं क्यों झुके रहते हैं। अगर आपको क्लैरिटी से दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेता हूं। He was never and will never be a true Muslim. Look at this video. They hang and face in shame. अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो कि ये नरेंद्र मोदी के डर से हो रहा है। नहीं, ये ट्रू दीन नहीं है। और ये क्यों बोला उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। As you know, we are great believers in Lord Ram and Lord Ram के कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, योर होल फैमिली टू ऑलवेज बी हैप्पी। ये कहानी थी कि शाहरुख खान ने जय श्री राम बोल दिया तो जैद हामिद ने जहर उगला। अच्छा, ये शाहरुख खान के लिए थोड़ी सी ट्रबल जरूर बन सकती है, लोग उनके खिलाफ बोल सकते हैं। जैद हामिद को लोग फॉलो भी करते हैं पाकिस्तान में। साथ में ये भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नए बने हैं शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के बनने के बाद कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी शाहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जय श्री राम वाली कंट्रोवर्सी फिर से उठी। क्या शाहरुख खान ने जय श्री राम बोल दिया तो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि वो लाल टोपी को बुरा लग गया और उन्हें ट्वीट करना पड़ा? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी, जो कि खुद कई बार बोल चुकी है। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अच्छा, वो जो जय श्री राम था वो इतना बुरा क्या लग गया? क्या आपको भी कभी धमकी आई? आप भी तो बोल चुकी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया और जय श्री राम एंड थैंक यू सो मच रोहित जी के आपने इनवाइट किया। मैंने भी ये वीडियो देखी और जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो स्पेशली जब शाहरुख खान ने कहा जय श्री राम, तो उसके बाद मैंने भी अपने शो भेजा प्राइम में, फिर इसी तरीके से ग्रीटिंग्स की और लोगों को जय श्री राम बोला। और मुझे नहीं पता जैद हामिद साहब को क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा दिन यही ढूंढते रहते हैं कि कुछ नेगेटिव बोलने को मिल जाए उन्हें। और आई एम श्योर कि उनकी इस बात से ना तो शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ता है, ना तो अंबानी फैमिली को या किसी भी इंडियन को, इवन पाकिस्तानी इसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वो लाहौर में रहते हैं, बहुत डिस्टेंस नहीं है इस्लामाबाद से, और आई होप कि कभी ना कभी वो मेरी वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये और बातें, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं मगर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है जो उनकी बात को सुनते हो, या अब तो लोग उनका मजाक ही बनाते हैं कि वो कभी गजवाए हिंद की बात करते हैं और कभी कुछ, और अब उनकी ट्वीट जो है जो आपने दिखाई उसके ऊपर भी लोग हंसी रहे होंगे जिस तरह की ट्वीट है, क्योंकि जाहिर है किसी में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो इस किस्म की बात नहीं करेगा। राइट, थोड़ी सी भी अकल होगी तो इस किस्म की बात नहीं करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू नहीं बन जाता कि अरे दूसरे धर्म जय श्री राम बोल दे, माय गॉड। अच्छा, ये कुछ लाल टोपी कुछ इसी तरीके का, जब से सऊदी अरेबिया में कोड़े पड़े ना तब से कुछ ज्यादा लगने लगा। क्या मतलब कोड़े कहाँ मारे गए थे और असर कहाँ हुआ? ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिस्टेंस था दोनों जगहों में यार।
फिर भी असर पड़ा। ये क्या टोपी को पाकिस्तान में कुछ इसी तरीके से लिया जाता है कि ये कुछ भी बोले हमें हम उसको डू द पीपल फॉलो है? देखिए कुछ लोगों ने जरूर फॉलो करते होंगे इसलिए कि हर एक को कुछ ना कुछ लोग जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा नहीं देखा जाता और ना ही कोई टीवी चैनल्स वगैरह पे कोई खास उनको देखते हैं। पहले आया करते थे लेकिन अब नहीं, अब तो लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी ये कहलाए जाते थे, एक जमाने में लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोलते हैं उन्हीं का, क्योंकि हर वक्त ये फौज की बातें किया करते हैं। हर वक्त आपने देखा है कभी कहते हैं कि वो गजवाए हिंद करनी है, तो कभी कहते हैं फ्लैग लगा देंगे दिल्ली में जाके, और कभी कुछ इसी किस्म की बातें ये किया करते हैं। लेकिन ये आप इनको एक और शेख रशीद पार्ट टू समझ सकते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब मिनिस्टर भी रहे हैं और उनको काफी लोग सुनते भी हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। और अब तो और भी ज्यादा लोग इनके ऊपर हंसने लगे। मैंने खैर जैसे पहले भी कहा था, मैंने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरीके से मेरे शो में आने के लिए तैयार हो जाए, मुझे से 20 क्या मुझे 10 मिनट भी दे दें तो काफी है, लेकिन हर बार उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली, कभी बदतमीजी नहीं की, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे मना कर दिया। और कुछ साल डेढ़ साल पहले तो हमने ये भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये और मेजर गौरव साथ आ जाए मेरे शो में, तो हम लोगों ने शरारत में जब ये जवाब नहीं दे रहे थे और मान नहीं रहे थे तो हमने ट्विटर पर भी लिख के लगा दिया था कि मेजर गौरव से मैंने परमिशन ली थी कि मैं लिख रही हूँ तो उन्होंने कहा लिख दें, तो मैंने वहां ट्विटर पर भी लिख दिया था ज्यादा में सबको टैग करके कि जी आप आ जाइए, अगर आपने डिबेट करनी है तो मेजर गौरव के साथ एक बार आ जाइए आप शो में, लेकिन वहां भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल ये अकेले में बैठ के बात कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सामने बैठ के जवाब देने में शायद घबराते हैं, इस वजह से कभी भी ये इस बात पे राजी नहीं हुए। खैर मैं तो सोलो बुलाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब देखें रमजान आ रहे हैं और रमजान के बाद ईद, और ईद के बाद मेरा लाहौर जाने का इरादा है, तो मैं लाहौर जाकर ये क्योंकि लाहौर रहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इनके ऑफिस में या कहीं जाके बात कर सकूंगी सर, प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाए अगले, लेकिन मुझे लगता नहीं मानेंगे। मेरा इससे एक बार सामना हुआ था एक पाकिस्तानी चैनल पे, और वहां पर ये मतलब जानबूझ के टाइम कम दिया गया मुझे और इनको ज्यादा दिया गया, फिर भी काउंटर नहीं कर पाए। और मैंने बोला भी, मैंने कहा मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, आइएगा एक दिन। जो फैक्ट्स इन्होंने दिए थे, मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं सरासर, गलत बोल रहे हैं सरासर, झूठ बोल रहे हैं, तो बोले नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। बाद में मैंने इन्हें ट्विटर पर टैग किया वही फैक्ट्स, तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं आज तक ब्लॉक बचाता ब्लॉक तो, और दोबारा ये कभी आए भी नहीं जो फैक्ट्स ही वहां झूठ बोले, क्योंकि ये और जाकिर नाइक साहब ये दोनों के दोनों क्रॉस क्वेश्चनिंग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट मैंने दे दिया, आप इस पे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो मेरा फैक्ट जो है वो झूठा पकड़ा जाएगा, इसलिए नहीं करते। एनीवेज ये लाल टोपी जो है इनको, ये शाहरुख खान के भी खिलाफ है, ये मोदी के भी खिलाफ है, इनको ये नहीं दिखा सामने एक मुसलमान है, ये मुसलमानों के लिए बहुत कुछ मतलब बोलते हैं कि हम उस दुनिया में जाएंगे, जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम हुआ करता था शायद, ये बोलते हैं, मैंने इनको जो सुना है बोलते हैं वो कुरान में उसका नाम कुस्तुनतुनिया लिखा है और फिर उसके बाद हमारा गजवाए हिंद होगा। अरे गजवाए हिंद करोगे तो इंडिया आओगे ना, तो शाहरुख खान से मिल लेना, समझा देना जयश्री राम नहीं बोलना, तो ये वहीं पे बैठ के क्यों बोल रहे हैं? जाहिर है हिंदुस्तान तो जा नहीं सकते और इनको सिर्फ एतराज करना है जयश्री राम कहने के ऊपर, क्योंकि इनका ख्याल ये कि हमने एक अलग कंट्री बना ली है और उसके बाद हमें बिल्कुल से अलग हो जाना चाहिए, ना हमें कोई फेस्टिवल मनाना चाहिए किसी और रिलीजन का, ना हमें कोई ग्रीटिंग्स करनी चाहिए किसी और रिलीजन के जैसी, तो ये उसी माइंडसेट के हैं शायद, इसी वजह से ये इस किस्म के एतराज कर रहे हैं। वैसे आपके ख्याल से इस ऑब्जेक्शन से शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मुझे तो नहीं लगता, और ना ही उन लोगों को जो अंबानी फैमिली के लोग खड़े थे या कोई किसी भी हिंदुस्तानी, इवन पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता, तो इंडियंस को क्या खाक फर्क पड़ेगा इनकी बात से? अच्छा ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं? पता नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ। अच्छा मतलब मुझे लगा तुम जैसे लेटेस्ट मैंने इनका इंटरव्यू देखा था एक उनके साथ जो आपके हाई कमिश्नर रह चुके डॉक्टर बासित के साथ, तो ये चेयर पे बैठ गए थे मेरा ख्याल है, तो जेल में बैठे थे ना, इसका मतलब वहां पे दर्द वो नहीं हो रहा है जहाँ पे कोड़े पड़े थे, तो इसका मतलब ठीक हो गया, इलाज ठीक हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी का रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहाँ पे आपने आरजू काजमी जी के विचार जाने और कैसे खुद आरजू काजमी जी ने जैद हामिद के मजे लिए और उस लाल टोपी को उसकी औकात दिखाई। जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले जब जैद हामिद सऊदी अरेबिया गया था
तब भी उसने कुछ बेतुकी बात की थी जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया में इसको कोड़े पड़े थे और आज तक बेचारे का जो पिछवाड़ा है वो सूजा हुआ है और हमेशा वो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। तो आपने देखा कैसे आरजू काजमी ने बातों बातों में जैद अहमद को जोकर बता दिया, जो कि हमेशा ही सिर्फ गजवाए हिंद की और भारत के खिलाफ बात करता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक नई खबर ये भी है, अब पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ले ली है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।